हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है और प्रोबेबल डेट एग्ज़ाम का अक्टूबर में दिया गया है, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल अगर हम देखने जाएं तो अपने पास में 10 वीक्स बाकी हैं। तो अब इस 10 वीक्स में हम अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, हम आज आपसे ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी कारण से अगर आपको अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा कि हम इस 10 वीक में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी बातें करेंगे हम आपसे। तो इसी कारण से हमने हेडिंग ही रखा लास्ट 10 वीक्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस क्या हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है फॉर प्री एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इसके बाद फिर प्रिपरेशन हम कैसे करें, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे डिटेल में। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज अगर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं तो देखिएगा कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली तो हमें पता है कि आपको सिलेबस होगा पता, सिलेबस जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें एसएससी जेई की तो एसएससी जेई में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो सेक्शन है। नए पैटर्न पे एग्जाम है लेकिन अगर हम बात करें तो प्री में कहीं कोई चेंजमेंट नहीं है, जो भी चेंजमेंट है वो सब मेंस के लिए है। तो अगर हम बात करें तो एक है पोर्शन टेक्निकल और एक पोर्शन है आपका नॉन टेक्निकल। अगर हम बात करें टेक्निकल एग्जाम की तो टेक्निकल एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेक्निकल पेपर में 100 क्वेश्चन। और अगर हम नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में भी आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। और इन पूरे क्वेश्चंस के लिए अगर हम टाइम स्लैब की बात कर लें तो टाइम स्लैब जो है वो है 2 आवर्स की, मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस बार जो नया अपडेट है वो नया अपडेट है निगेटिव मार्किंग के रिलेटेड। निगेटिव मार्किंग होगा 1/3, पहले होता था 1/4, अब निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। इसका मतलब कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, हमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें टेक्निकल एग्जामिनेशन की तो टेक्निकल एग्जामिनेशन में अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स FM। 100 में से ऑलमोस्ट ऑल 30 to 35 क्वेश्चन लगभग सिर्फ और सिर्फ FM से उठ के आएंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा FM से, और बहुत ही बैलेंस क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 से ही पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, 30 to 35 क्वेश्चन पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स से आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें थर्मो की तो थर्मो से क्वेश्चंस लगभग आएंगे, थर्मो से 10 to 12 क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं पावर प्लांट की, पावर प्लांट तो पावर प्लांट से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इस 8 से 10 क्वेश्चन में सिर्फ बॉयलर से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ बॉयलर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पावर प्लांट। फिर आपका है आईसी इंजन। अगर हम इस आईसी इंजन की बात करें तो इस आईसी इंजन से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन। अच्छा, ये बढ़ भी जाता है बहुत टाइम, क्योंकि अभी हमने बताया कि लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे थर्मो प्लस एप्लीकेशन से, कभी कभी ये 50 नंबर तक भी चला जाता है।
अगर पिछले बार की बात करें तो लगभग 85 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थर्मल और एफएम से आ गया था, लेकिन हम आपको एक एवरेज बता रहे हैं कि जो कि जनरली पूछा जाता है और जो पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो लगभग ये आपका है थर्मल प्लस एफएम से। इसके बाद अगर आप बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, सॉम से, तो सॉम से प्रोबेबली 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम टॉम से बात करें, थ्योरी ऑफ मशीन से, तो थ्योरी ऑफ मशीन से भी लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें आपसे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी लगभग 5 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्लियर। और इसके बाद बच गया आपका एमडी, तो एमडी से लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 मार्क्स, 2 to 3 क्वेश्चन। वैसे ये हमने आपको एक बताया है एवरेज। चांसेस अगर क्वेश्चन पूछने का है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा चांसेस कैसे हैं क्वेश्चन पूछने के। तो एफएम प्लस थर्मल से जो अभी तक का सिलेबस देखा गया है, ऐसा भी हो सकता है कि इससे आपको 80+ क्वेश्चन पूछ दे, 80+ क्वेश्चन पूछ दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर पूछ दिया तो। तो बिल्कुल हमें इन सब्जेक्ट को तो भूलना नहीं है, इन सब्जेक्ट पे कमांड होने ही चाहिए, और साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये सपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाते हैं, जो कि आपको कट ऑफ तक पहुंचाएंगे। मतलब अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन में, तो 100 क्वेश्चन में हमें कम से कम तो 85 क्वेश्चन तो टेक्निकल में सही करने ही हैं, 85 क्वेश्चन टेक्निकल में सही करने ही हैं, क्योंकि आपका ब्रांच है मैकेनिकल। हम आपको सेफ साइड की बात कर रहे हैं, वैसे कट ऑफ इस बार थोड़ा सा नीचे रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। इसके बाद अगर हम नॉन टेक में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग से आएंगे 50 क्वेश्चन। इस 50 में कम से कम तो 45 मार्क्स की अगर बात करें तो 45 जनरल स्टूडेंट्स लेके आते हैं, बिल्कुल, तो आप भी ला सकते हैं। और अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके एंड जीएस में अगर हम बात करते हैं तो लगभग बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आता इसमें, 50 में ऑलमोस्ट ऑल 20 मार्क्स आप लाइए, एवरेज पकड़ के चलिए, बिल्कुल 20 out of 50, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 60 to 65 इधर और लगभग 80 to 85 इधर बात कर रहे हैं, बहुत इजी टास्क की बात कर रहे हैं, बहुत टफ टास्क की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टफ टास्क की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आराम से आप 140-145 का दायरा टच कर सकते हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है सर ये तो समझ गए, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 10 वीक की। तो अगर 10 वीक की बात है और 10 वीक में आपको प्रिपरेशन करना है, हमारे पास 10 वीक है, अगर इस 10 वीक में हमें प्रिपरेशन करना है तो बेसिकली हम रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप न्यू कॉमर हैं तो क्या करना है आपको, यह भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप इतने सब्जेक्ट्स लेके तो काम नहीं कर सकते हैं, फिर आपको क्या करना है यह हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं और आपका प्रिपरेशन हो चुका है, आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर प्रिपरेशन हो चुका है आपको तो आपको पर डे अगर हम बात करें तो 8 आवर्स पढ़ने हैं, 8 आवर्स आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कम से कम ये इतना टाइम आपको डेडिकेशन के साथ देना है। और प्लस अगर हम बात करें इस 8 आवर्स की बात करते हैं तो इस 8 आवर्स में 2 आवर्स जो जाएंगे ये आपके ऑलमोस्ट ऑल रिवीजन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए जाएंगे। इसी में आपका टेस्ट सीरीज शामिल होगा, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो इसी में देंगे, क्योंकि आप पार्ट टेस्ट की बात करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वैसे आपको टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इसके अलावा, 8 आवर्स के अलावा। इसके बाद आपके पास बचते हैं 6 आवर्स, 6 आवर्स बचते हैं, इस 6 आवर्स में आपको 1 आवर देना है एटलीस्ट रीजनिंग के लिए डेली, 1 आवर रीजनिंग के लिए डेली देना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको देना है लगभग
1 hour GKGS के लिए, GKGS के लिए, ठीक है। आप इस 1 hour को प्लस भी कर सकते हैं, अगर आपका मन करे तो आप 2 hours भी दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको 2 hours भी दे सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग है बहुत ज्यादा वेटेज रखता है तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर 2 hours लगातार नहीं पढ़ सकते हैं तो ब्रेक में दे दीजिए टाइम, दैट विल बी बेटर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपको 1.5 hours डेली रोज फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस पे देना है, FM के प्रैक्टिस पे, ये बहुत कंपल्शन है। इसके बाद आपको लगभग 1.5 आवर्स अगर हम बात करें तो ये आपको देना पड़ेगा थर्मल साइंस के लिए, थर्मल साइंस के लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये हो गया आपका 3, 5 और 6 घंटे की कहानी, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें कि आप ऐड कर सकते हैं, कभी सपोज आपको जीके पढ़ने का मन नहीं कर रहा है सपोज, तो आप इसमें अदर सब्जेक्ट्स लेके चल सकते हैं। या मान लो सपोज हमने रीजनिंग कर लिया एक चैप्टर, तो इसके बाद आप कभी सॉम उठा लीजिए इसके जगह पे, कभी टॉम उठा लीजिए, समझ में आ रहा बात। कभी आप सपोज अगर आया तो प्रोडक्शन उठा लीजिए, कभी MD उठा लीजिए, इस टाइप से आप काम कर सकते हैं इन दोनों के टाइम में से देखे। लेकिन इन दोनों का टाइम तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, ये टेक्निकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग करके आपको जाना है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, नए स्टूडेंट अगर आप हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं टेक्निकल में, एक FM और एक थर्मल, कोई तीसरा सब्जेक्ट पे आप बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा क्योंकि कर नहीं पाएंगे। वैसे रिक्वायरमेंट तो है, जरूरी है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे मैनेज उसको। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कोई ज्यादा सब्जेक्ट आपको लेके नहीं चलना है, आप लेके चलिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट और एक साथ साथ रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट का लॉट आपको लेके चलना है। और आपका टारगेट होना चाहिए कि इस 10 वीक में हमें क्लियर कर लेना है, 10 वीक आपके पास टाइम है जिसमें आपको ये क्लियर करना है, बिल्कुल। और साथ साथ ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। और अगर इस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप अगर MCQ लगा रहे हैं इंजीनियर्स अकेडमी का, इंजीनियर्स अकेडमी का MCQ जो नया बुक आया है स्मार्ट एडिशन, ये काफी है, मोर देन सफिशियंट है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको पर डे कम से कम, तो आप टारगेट करके चलिए कि आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं पर डे। अगर हम हर दिन 300 क्वेश्चंस लगाते हैं तो सोचिए हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, हम बहुत इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सिलेक्शन जो है वो काफी आसान होगा आपके लिए। अब अगर हम बात करिए, आपकी स्ट्रेटजी की बात है, ये 10 वीक की स्ट्रेटजी की प्लानिंग है। अब अगर हम बात करें हम अपने लिए इंजीनियर, जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर्स अकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियर्स अकेडमी हमेशा आपके साथ हर मोड़ पे खड़ा होता है, क्योंकि आपके जब रिजल्ट आते हैं तो हमारी चेहरे पे एक अलग खुशी आती है। इसके लिए अगर हम बात करें तो हमने एक आपके प्रैक्टिस के लिए एक बैच भी लॉन्च किया है, ठीक है। 1-2 बैचेस की बात अगर कर ले हम, तो सबसे पहला है विजेता बैच, जो कि काफी पहले से अनाउंस हो चुका है, लाइव बैच चल रहा है, ठीक है। इसका कॉस्ट 499 रखा गया है, 499 है प्राइस, बहुत नॉमिनल प्राइस है अगर बात करें तो। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव बैच मिलेगा, प्लस थ्योरी डिवीजन हो जाएंगे, प्लस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे क्वेश्चंस के, और प्लस मॉडल टेस्ट का भी प्लान किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और बैच है कॉम्पैक्ट 2.0, जिसका प्राइस रखा गया है 999, 999। इस कोर्स की वैलिडिटी हमने 1 साल की दी है, 1 साल की वैलिडिटी दी है। इसमें प्री एज वेल एज मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर होगा, पूरा का पूरा सिलेबस प्री एंड मेंस का कवर होगा, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जो होता है वो है सिलेक्शन का की, अगर हम चाबी की बात करें सिलेक्शन की, तो वो है टेस्ट सीरीज। आप कहीं भी देखेंगे तो टेस्ट सीरीज का एक इंपॉर्टेंट महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिलेक्शन में।
तो अगर हम बात करें तो हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में टेस्ट रखा है। बिल्कुल देखिएगा, टेस्ट बड़ी नाम से हमारा ऐप लॉन्च हुआ है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस है 99 रुपीज, और अगर आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना चाह रहे हैं तो इसके लिए 499 का प्राइस रखा गया है, और सारे प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं। बिल्कुल, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, इसमें से कोई भी एक बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कंपल्सरी लीजिए, कंपल्सरी, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो श्योर शॉर्ट है। तो मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्दी कुछ नए वीडियो के साथ में। तब तक लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।